दोस्तों ऑक्सीजन ग्रुप की तरफ से 5 जुलाई 2020 को बीएम कॉइन लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप बीएम कॉइन को खरीदने वाले हैं तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बीएम कॉइन खरीद के दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही में अगर आप बीएम कॉइन के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं कि बीएम कॉइन क्या है, कैसे काम करता है, जो कॉइन आप खरीदेंगे उसको कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं, दोस्तों अगर आप इन सब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। होना चाहिए कि जब ऑक्सिंक लेकर आ रही है तो कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू खराब नहीं करेगी और किसी का घटेगा नहीं। दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि बीएम कॉइन क्या है और इसका क्या काम है। दोस्तों बीएम कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। दोस्तों आप बीएम कॉइन का यूज करके ऑनलाइन किसी भी सामान या किसी भी सर्विस को आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों बीएम कॉइन को आप डायरेक्ट ऑफलाइन मार्केट में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीएम कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और अभी तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कोई भी फिजिकल सिक्के या नोट उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इसको ऑफलाइन मार्केट में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप बीएम कॉइन किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ऑफलाइन मार्केट में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो भी कॉइन है उसको एक्सचेंजर के माध्यम से अपने कॉइन को एक्सचेंज करके लोकल करेंसी में आपको कन्वर्ट कर लेना होगा। उसके बाद आसानी से आप अपने करेंसी को ऑफलाइन मार्केट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं तो उसको एक्सचेंज करने के लिए आपको एक एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन ग्रुप का बीएम कॉइन परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सचेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप खुद ही एक्सचेंजर का काम करती है, जिससे आप बीएम कॉइन को काफी आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं और आप अपनी लोकल करेंसी में उसका विड्रॉल भी ले सकते हैं काफी आसानी से। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि बीएम कॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है। दोस्तों बीएम कॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी के फॉर्मेट पे वर्क करती है। दोस्तों क्रिप्टोग्राफी में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो काफी सेफ और सिक्योर होता है अदर पेमेंट मेथड से। दोस्तों यहाँ पे यूजर का जितना भी डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव होता है, इसीलिए इसको कोई हैकर या कोई भी एजेंसी या कंपनी इसको आसानी से रीड नहीं कर सकती। सो बीएम कॉइन को परचेज करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि बीएम कॉइन को परचेज करने के लिए कंपनी ने कुछ कंडीशन रखे हैं। दोस्तों आपको इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ही बीएम कॉइन को परचेज करना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस कंडीशन को आपको अच्छे से समझा देता हूं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की। दोस्तों मिनिमम आपको 1000 रुपये का बीएम कॉइन परचेज करना है। 1000 रुपये से कम का आप बीएम कॉइन परचेज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैक्सिमम आपके वॉलेट में जितना भी पैसा होगा उसका आप बीएम कॉइन परचेज कर सकते हैं। अभी के समय में एक बीएम कॉइन इक्वल टू 10 इंडियन रुपीज के बराबर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों अगर आपके पास ऑक्सीजन का वॉलेट है तभी आप बीएम कॉइन को परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन का वॉलेट नहीं है तो अभी के लिए आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य वॉलेट से आप बीएम कॉइन को परचेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बीएम कॉइन आप परचेज कर रहे हैं उसको आप इंस्टेंट बेच नहीं सकते हैं। उसको बेचने के लिए आपको 90 दिन का वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 90 डेज के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं या आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप एक डीडीसी हैं तो आप अपने डीडीसी के फीचर्स अकाउंट से अभी बीएम कॉइन को परचेज नहीं कर सकते हैं। आपको बीएम कॉइन को परचेज करने के लिए आपको अपने ई पैलेस अकाउंट को ही यूज करना होगा। अभी आप अपने ई पैलेस के अकाउंट से ही बीएम कॉइन को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यही थे कंडीशन जो कि मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। दोस्तों अब मैं आपको बीएम कॉइन परचेज करके दिखा देता हूँ। दोस्तों बीएम कॉइन को परचेज करने के लिए आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपनी ऑक्सीजन की आईडी को लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको उसी ऑक्सीजन की आईडी को लॉगिन करना है जिस ऑक्सीजन की आईडी से आप बीएम कॉइन को परचेज करने वाले हैं। आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करके उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे दोनों वॉलेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, नेट वॉलेट और डिजिटल वॉलेट। दोस्तों आपको जिस भी वॉलेट से आपको बीएम कॉइन को परचेज करना है उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफर टू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनपे वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट
डालने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट टू रिडीम का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों मिनिमम 1000 रुपये का बीएम कॉइन आपको परचेज करना है। दोस्तों अगर आप मिनिमम 1000 का बीएम कॉइन परचेज करने वाले हैं तो आप अपने वॉलेट से 1200 रुपये का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तब जाके आप अपने 1000 रुपये का बीएम कॉइन परचेज कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे 1200 रुपये एंटर कर देना अगर आप 1000 का बीएम कॉइन परचेज करना चाहते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको अपना अमाउंट एंटर कर देना है जितने का आप बीएम कॉइन परचेज करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट टू पे आउट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप रिक्वेस्ट टू पे आउट पे क्लिक करते हैं आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इन पे वॉलेट का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली से आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो रिक्वेस्ट वो सक्सेसफुल हो गया इन पे वॉलेट में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो नेट बैलेंस मिला है 1207 रुपये का। मैंने यहाँ पे 1400 रुपये का अपने वॉलेट से ट्रांजेक्शन किया है इन पे वॉलेट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 1207 रुपया यहाँ पे मिला है। दोस्तों आपको इन पे वॉलेट में उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करना है जितना कि आप बीएम कॉइन परचेस करने वाले हैं, नहीं तो आप इन पे वॉलेट से फिर से आप दोबारा उसको अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों इन पे वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वहाँ पे आपको बाय बीएम कॉइन के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, सिंपली से आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको इस फॉर्म में सही से डिटेल देके और आपको एक बीएम कॉइन में एक वॉलेट क्रिएट करना होता है, उसके बाद ही आप बीएम कॉइन को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं कि आपको इस फॉर्म को कैसे सही से फिलअप करके वॉलेट को क्रिएट करना है। सबसे पहले बॉक्स में आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है। उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको रेफर कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे रेफर कोड दिख रहा है, उस रेफर कोड को आपको अपने रेफर कोड वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके नीचे आपको यूजर नेम का बॉक्स देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे 6 डिजिट का एक नया यूजर नेम आपको अपना बना लेना है। उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। फिर से नीचे वाले बॉक्स में आपको कंफर्म पासवर्ड एंटर कर देना है, यानी 2 बार सेम पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना रियल ईमेल आईडी एंटर कर देना है। उसके नीचे वाले बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए दिया गया ऑप्शन, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पे फुल नेम और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप इसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यूजर नेम पासवर्ड और ईमेल आईडी नेसेसरी है देना। तो आप अपना सारा डिटेल सही सही एंटर करके और वॉलेट आपको क्रिएट करना है। दोस्तों वॉलेट क्रिएट करते समय आपको रेफर कोड जरूर से यूज कर लेना है, जो रेफर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है, नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके और क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने इस फॉर्म में अपना सारा डिटेल सही सही एंटर कर दिया है, चलिए आप क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे आप क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो अभी अनवेरीफाइड है। दोस्तों अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपने जो ईमेल आईडी एंटर किया था उस ईमेल आईडी पे कंपनी की तरफ से एक मेल गया होगा, उस मेल को आपको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आपको उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल आ गया है कंपनी की तरफ से। इस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और आपको वेरीफाई करना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, गो टू लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के समय जो यूजर नेम आपने बनाया था और पासवर्ड दिया था उस यूजर नेम पासवर्ड डाल को आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। दोस्तों जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने आपका जो बीएम कॉइन का प्रोफाइल है वो ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में 3 लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली से आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बाय कॉइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको बाय कॉइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार का, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कॉइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब आप जितना कॉइन परचेज करना चाहते हैं उतना कॉइन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों अगर आप 1000 का कॉइन परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर कॉइन में 100 एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी में आपको यहाँ पे इंडियन रुपीज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप जितना कॉइन परचेज करना चाहते हैं
हैं उसका अमाउंट कितना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपसे पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में इन पे वॉलेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। आप यहाँ से अभी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे या भीम पे से पेमेंट करके बीएम कॉइन को परचेज नहीं कर सकते। आप अभी इन पे वॉलेट से ही पेमेंट करके और बीएम कॉइन को परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली के बाद आपको यहाँ पे नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप पे नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार का, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपनी ऑक्सीजन की आईडी को लॉग इन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको उसी ऑक्सीजन की आईडी से लॉग इन करना है जिस ऑक्सीजन की आईडी से आपने इन पे वॉलेट में पैसा को ट्रांसफर किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरी ऑक्सीजन आईडी नहीं लॉग इन करना है। उसके बाद सबसे पहले बॉक्स में आपको सेट लॉग इन टाइप ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली से आपको उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे पर्सनल लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको पर्सनल लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास डीडीसी का एक बिजनेस अकाउंट है तो आप अभी अपने बिजनेस अकाउंट से बीएम कॉइन को परचेज नहीं कर सकते, आप पर्सनल अकाउंट से ही बीएम कॉइन को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने एक पेमेंट समरी ओपन होकर आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके अकाउंट की कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, तो सिंपली से आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन के एकदम से नीचे चले आना है। दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे आपको यहाँ पे रेड कलर का एक कंटिन्यू का बटन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपसे आपके अकाउंट का ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा जाएगा, सिंपली से आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड को एंटर करके और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे आपके टोटल कॉइंस की संख्या भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहां पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद आपको थ्री लाइन पे क्लिक करके आपको मेन डैशबोर्ड पे आप जा सकते हैं, वहां पे आपके अकाउंट की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपने जितना भी कॉइन परचेज किया है उसको आप तुरंत बेच नहीं सकते, कंपनी की तरफ से इस कॉइन को 90 दिनों के लिए लॉक कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आप इस कॉइन को बेचना चाहते हैं तो आपको 90 दिन का वेट करना पड़ेगा। 90 दिनों के बाद कंपनी की तरफ से आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप इस कॉइन को बेचकर पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस कॉइन को डायरेक्ट मार्केट में लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप इस कॉइन को 12 महीने के लॉकर में रख सकते हैं कंपनी के पास। दोस्तों अगर आप कॉइन को बेचना चाहते हैं तो आसानी से बेच सकते हैं 90 दिनों के बाद और पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में लगाना चाहते हैं या 12 महीने के लॉकर में रखना चाहते हैं तो इस दोनों में आपको क्या प्रॉफिट होगा, चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। दोस्तों अगर आप 90 दिनों के बाद आप अपने कॉइन को बेचना नहीं चाहते और आप अपने कॉइन को डायरेक्ट मार्केट में लगा देते हैं तो आपका जो कॉइन है ऑटोमेटिक मार्केट के हिसाब से चलेगा और वहां पे आपके कॉइन से जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा प्रॉफिट आपको मिलेगा, और अगर आपके कॉइन में लॉस होता है तो लॉस का रिस्क भी आपको ही लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी आप ही को मिल रहा है। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए जैसे कि आपने 1000 का कॉइन लगाया मार्केट में और उस कॉइन की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ जाती है, जैसे 1000 का 10000 या 1 लाख हो जाता है, तो वहाँ सारा प्रॉफिट आपको ही लेना है। और अगर आपके कॉइन में लॉस हो जाता है यानी 1000 का कॉइन आपका 700-800 का हो जाता है तो सारा का सारा लॉस आपको ही लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कोई भी रिस्क नहीं है। दोस्तों अगर आप 90 दिनों के बाद अपनी कॉइन को बेचना नहीं चाहते हैं और आप अपने कॉइन को 12 मंथ के लॉकर में कंपनी के पास जमा करते हैं तो इससे आपका क्या प्रॉफिट होगा, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों अगर आप अपने कॉइन को 12 मंथ के लॉकर में कंपनी के पास जमा कर देते हैं तो आपके कॉइन का सारा मैनेजमेंट कंपनी करती है और आपके कॉइन का रिस्क भी आपको लेना नहीं पड़ता है, आपके कॉइन का सारा रिस्क कंपनी कवर करती है। दोस्तों साथ ही में आपने जितने भी रुपए का कॉइन आपने लॉकर में रखा है उस कॉइन का हर मंथ आपको 8-12% का ROI यानी ब्याज आपको कंपनी तरफ से मिलेगा। दोस्तों एग्जांपल के लिए अगर आपने 1000 रुपये का कॉइन आपने लॉकर में रख दिया है तो आपको 1000 का 8-12% ROI हर मंथ आपको मिलेगा, जो कि आपको विड्रॉल करने के समय आपको 1 साल का ROI आपको जोड़ के मिल जाएगा। यानी आपने 1000 रखा है तो उसका 2000 हो जाएगा 1 साल में, अगर आपने 5000 रखा होगा तो उसका 10000 हो जाएगा, यानी 100% आपको ROI मिल जाएगा 1 साल में। दोस्तों लेकिन
मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपया 12 मंथ के लिए लॉकर में कंपनी के पास रख दिया है, लेकिन उस 1,000 के क्वाइन की वैल्यू अगर 12 मंथ में 10,000 या 1,00,000 हो जाती है तो यहाँ पे सारा प्रॉफिट कंपनी लेगी, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ 1,000 का 100% आपको ROI यानी ब्याज मिलेगा, यानी 1,000 का 2,000 मिलेगा और जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा कंपनी लेगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कंपनी कवर कर रही है, आप नहीं रिस्क कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है कि अगर आप अपने कॉइन को डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको क्या प्रॉफिट होगा, और आप अपने कॉइन को डायरेक्ट अगर 12 मंथ के लॉकर में रखते हैं तो उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने कॉइन को डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या डायरेक्ट आप 12 मंथ के लॉकर में कंपनी के पास जमा करते हैं। दोस्तों अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, रिस्क खुद कवर करना चाहते हैं, तो आप अपने कॉइन को डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप बिना रिस्क लिए प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप कंपनी के पास 12 मंथ के लॉकर में अपनी कॉइन को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था प्रॉफिट अर्न करने का तरीका जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बीएम कॉइन के रेफर प्रोग्राम को अच्छे से समझा देता हूँ। दोस्तों जब भी आप बीएम कॉइन परचेस करने जाएंगे वहाँ पे आपको एक रेफर कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी आपके पास जितने भी टीम है आपको अपना रेफर कोड एंटर करा के अगर आप बीएम कॉइन परचेज कराते हैं तो वहाँ से आपको कंपनी की तरफ से कुछ परसेंटेज रेफर बोनस के तौर पर आपको दिया जाएगा। दोस्तों रेफर बोनस आपको लेवल वाइज दिया जाएगा, कंपनी ने इसका लेवल भी दिया है। दोस्तों फर्स्ट लेवल में आपको 5% का कमीशन मिलेगा, सेकेंड लेवल में 3%, तीसरा चौथा और पांचवा में आपको 2-2% का कमीशन मिलेगा। दोस्तों रेफर का जो प्रोग्राम है वो दिसंबर तक चलने वाला है, दिसंबर के बाद कंपनी इस रेफर वाले प्रोग्राम को बंद कर देगी। तो अगर आप अपने रेफरल डिटेल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आपने रेफरल प्रोग्राम से कितना कॉइन अर्न किया है, तो उसके लिए आपको सिंपली से ऊपर में जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरल कॉइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके कॉइन के सारे डिटेल देखने को मिल जाएंगे कि आपने कितने लोगों को रेफर किया है और उनसे आपको कितना कॉइन अर्न हुआ है। तो दोस्तों यही था रेफर प्रोग्राम जो को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। दोस्तों आपका यूजर नेम ही आप इसमें आपका रेफर कोड है, आप इसी कोड को यूज करके बीएम कॉइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ही बीएम कॉइन को परचेज करने वाले हैं तो डिस्प्ले पे जो रेफर कोड दिख रहा है इस रेफर कोड जरूर से आप यूज करके बीएम कॉइन परचेज करें ताकि मेरा भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारी मैंने इस वीडियो में बीएम कॉइन के बारे में दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।